खबर हल्द्वानी से है, जहां परिवहन विभाग ने बुधवार को शहर में 19 टीमों के साथ सघन छापेमारी की, जिसमें वाहन चालकों और आम जनता में खलबली मच गई। इस कार्यवाही से 50 से अधिक गाड़ियों को नियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए आरटीओ कार्यालय ले जाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि विभाग की इस कार्रवाई को लेकर वाहन चालकों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कई चालकों ने आरोप लगाया है कि बिना किसी कारण उन्हें गाड़ियों समेत उठाकर आरटीओ कार्यालय ले जाया गया, तो कुछ ने कहा कि उनकी गाड़ियां खाली थी फिर भी चालान किया गया। साथ ही इस कार्रवाई से कई यात्रियों और राहगीरों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन नियमों और अनावश्यक पार्किंग के खिलाफ 19 टीमें अलग अलग इलाकों में भेजी गईं, जिसमें 50 से अधिक वाहनों को उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही यातायात नियमों का पालन न करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कहना है हमारी जो है, आज हमने स्पेशल अभियान चलाया था जिसमें हमारी 19 टीम्स लगी हैं पूरे संभाग की, और बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास, पेट्रोल पंप के बाहर, मेन रोड पे अगर खड़ी करके गाड़ियां अगर चलाएंगे वहां से, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले भी बता दिया था, कुछ गाड़ियों के कागज़ भी ख़त्म हैं, इसलिए उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की गई है और ये आगे भी जारी रहेगी। और अभी इसके बाद ऑटो पे भी कार्रवाई की जाएगी, जिनका सत्यापन हो चुका है, डेट ख़त्म हो चुकी है, फिर उसके बाद ऑटो पे भी सीज की कार्रवाई की जाएगी। सर मेरी, मैं जो है बेटना को जा रहा था, पैसेंजर मेरी गाड़ी में कोई भी नहीं था सर, और मेरा जो है 6500 रुपये का मेरा चालान काट दिया है। पता नहीं सर, अब ये जो है गाड़ी उठा के जो है इधर लेके आए हैं हमारी, 6500 रुपये का इनने जो है हमको फिर गिराव नहीं किया है, हमें खुद उठा के लाया गया है। मैं घर से निकला था, मुझे कुसुमखेड़ा में रहता हूँ मैं, कुसुमखेड़ा से 100 मीटर आगे जाके हाथ दिया गया, मुझसे बोला गाड़ी में बैठो, गाड़ी मेरी यहाँ आरटीओ ऑफिस में बंद है, और बोले तुम्हारी गाड़ी सीज हो गई। मैंने सर बता दो दीजिए क्या है, वो बोले वहाँ पता चल जाएगा तुम्हें। मैं गया, मैं पूछा सर क्या, किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक क्या है, अभी जाके बोल रहे हैं कि आप चलान करवाइए और जाइए, मेरे गाड़ी के कागज़ पूरे हैं, सब कुछ है। मैं घर से बाहर निकला हूँ, मैं घर से बाहर मतलब मुझे उठा दिया गया है, बिल्कुल एक जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, कुछ हूँ इस तरीके से, कुछ ऐसा नहीं कि मैं मतलब कुछ मैंने गलत किया हो, मैं चलती रोड में सर, कुछ ऐसा नहीं मैं गलत हूँ। बड़ी सवारियाँ, गाड़ी के कागज पूरे हैं, सब कुछ पूरा है। बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है सर। मैं तो अभी सुबह अपने, मैं स्टाफ में चलता हूँ रोज़, अपने ये टीचर लोगों को ही ले जाता हूँ, ड्यूटी जो करते हैं उनको सुबह ले जाता हूँ, शाम को लाता हूँ। और मैं अभी वहाँ पर सवारी भर रहा था तिकोनिया में, एक मैडम का इंतजार कर रहा था, मतलब साइड में लगा रखी थी गाड़ी, और मेरे को पकड़ के ले आया यहाँ पे, और मैडम लोगों को कहा, उनसे कहा दूसरी गाड़ी में जाओ आप। मैं भी पता नहीं चला, मैं घर से ही निकल रहा था जब यहाँ कुसुमखेड़ा चौराहे पर आया, हाथ दिया गया, हाथ ठीक है आरटीओ साहब ने हाथ दिया, हमने रोक दी थी गाड़ी वहाँ पर। और मैं ये पदमपुरी मेडिकल वाले हैं वो स्टाफ, उसको ले जा रहा था, मतलब कोई सवारियाँ नहीं थी, बोला चलो आरटीओ ऑफिस चलो, और उसके बाद यहाँ 500 का चालान काट दिया, बोला नहीं नहीं ये सबको जमा करना पड़ेगा 500, और 500 रुपया जमा करो और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को ले जाओगे। कोई हमें भी पता नहीं चला कि क्यों 500 का चालान आया। दादागिरी चल रही है और कुछ नहीं, सवारियां परेशान, और यहाँ सवारी भर भर के आई हैं, तो बच्चे आए हैं यहाँ जिन गाड़ियों में, वो अभी आरटीओ ऑफिस में खड़े हैं, वो बच्चे भी बड़े परेशान हैं।